नौजवान भाइयों, दोस्तों, अजीजों, साफी बरादरी, आज का ये एहतजाज असल में एक अलामती एहतजाज है उस महंगाई के खिलाफ, उस महंगाई की फुंबारी के खिलाफ जो आए रोज हम सुनते हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा बर्दाश्त का जो लेवल है वो अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए पूरी कौम से ये गुजारिश है कि वो यकबार की सड़कों पे निकले और इस तब्दीली सरकार को अपने घर की राह दे। इस मौके पे हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बहुत बुलंद बांग दावे करते थे, हम उनसे ये इस इज्तिमा के हवाले से ये मुतालबा करते हैं कि वो खुदकुशी करने के हवाले से अपने ऐलान पर अमल दरामद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया था कि अगर मैं IMF में जाऊंगा, दूसरे अदारों के पास जाऊंगा, कर्ज लेने के लिए जाऊंगा, उसकी बजाय मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो आज का ये इज्तिमा उनसे मुतालबा करता है कि वो वाकई खुदकुशी का अमली मुजाहरा करें, वरना ये कौम जो है वो कल खुद मजबूर होगी, उनको घर भेजने पे मजबूर होगी। मैं सारी साफी बरादरी से, जिंदगी के सारे तबकात से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस जुल्म को मजीद बर्दाश्त न करें। बर्दाश्त की कोई हद होती है और हुकूमत को इस पर मजबूर कर दें कि वो इंसानी हकूक को जो दबाए रखी हुई है, इंसानी हकूक को मुतासर कर रही है, लोगों से जीने का हक छीन रही है, वो हक छीनना बंद कर दे और एक रियासत का अमली करदार अदा करते हुए लोगों को सहूलियात मुहैया करे और महंगाई का सिलसिला रोक दे।